के नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बराह रास्त नशरियात में, जिसमें हम मुताला करते हैं BEGLA 135 का, जो कि मबनी है इंग्लिश इन डेली लाइफ पे, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी। सो आज आपके इस ब्लॉग का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हम सातवां और आठवां जो है आपका यूनिट, उसका मुताला करेंगे। इसके साथ ही आपका जो ये ब्लॉक है इंग्लिश इन डेली लाइफ, वो इख्तिताम पजीर होगा। आज के इस ब्लॉक के जो यूनिट्स हैं, उनमें हम पहला यूनिट जो है वो अगर देखें तो वो मबनी है यंग लीडर्स पे, यानी कि जो हमारे नौजवान कायद हैं उन पे। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कुछ मसाइल पे, बर्निंग इश्यूज, जो कि आज का उन्वान भी है आज के इस ब्लॉक का, और उसी से जो मिले जुले कुछ जुड़े हुए जो उन्वानात हैं उन पे हम बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कुछ सुलगते हुए मसाइल पे, आज भी हमारे जो उन्वानात हैं वो भी उसी से हुए हैं। तीसरे यूनिट का हमारा जो उन्वान है वो है यंग लीडर्स। इस यूनिट में हम बात करेंगे अपने नौजवान कायद, उनके बारे में कि जो हमारे कहाँ तरह बनते हैं। इसमें आप आगे बढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि हम किन की बात करेंगे इस यूनिट में। साथ में अगर हम देखें तो पहले हम आप हमेशा की तरह इसमें मकासिद होते हैं, जो आप जानते हैं। उसके बाद वार्म अप की एक्सरसाइज होती है, ताकि आप इसके साथ आपकी जो है जान पहचान हो जाए आपके इस यूनिट के साथ, पढ़ने की समझ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, प्रिटोरिया के रास्ते पर। उसके बाद अल्फाज, कड़वे अल्फाज, वो एक्सरसाइज करेंगे आप। सुनने में तकरीर होगी, तकरीर करना एक स्टूडेंट लीडर मुहिम कुनंदा की तकरीर, तो एक तकरीर आप सीखेंगे कि एक स्टूडेंट किस तरह तकरीर करते हैं और तकरीर किस तरह करनी चाहिए, ग्रामर में बराह रास्त और बिलवास्ता तकरीर, और तहरीर में एक सवानही प्रोफाइल, सवानही प्रोफाइल पे आप सीखेंगे एक सवानही प्रोफाइल किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम वार्म अप में चलते हैं। इसमें हम देखते हैं वार्म अप में हमेशा हम अपने यूनिट से थोड़ा उसके उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, ताकि आपको पता चले, आप इसके साथ थोड़ा जुड़ जाएं कि आप इस यूनिट में क्या करने वाले हैं, आप इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। उन मसाइल के बारे में सोचे और अपने दोस्तों से इन पर बात करें। लीडर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, यानी कि इन मसाइल के बारे में आपको सोचना है। आप सोचे इन मसाइल के बारे में और अपने दोस्तों से भी इन मसाइल पे बात करें कि क्या लीडर पैदा होते हैं या फिर लीडर बनाए जाते हैं। जो भी कोई लीडर होता है, क्या वो बॉर्न होता है यानी कि पैदाइशी होता है, या फिर हालात, वक्त और हम जैसे लोग कुछ लोगों को अपना लीडर चुनते हैं, उनको बनाते हैं। लीडर की बुनियादी खसूसियात क्या है, तो इस पर आपको बात करनी है। इस पर आपको जो है सोचने की जरूरत है कि लीडर जो होता है उसकी बुनियादी खसूसियात क्या है, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। कायदाना खूबियां कैसे पैदा होती है, यानी कि जो एक कायद में, एक लीडर में खूबियां होती हैं, जो उसमें क्वालिटीज होती है, वो कैसे पैदा होती है या फिर कैसे पैदा हो सकती है। गांधी को हकीकी रहनुमा किस चीज ने बनाया, महात्मा गांधी जिससे ना तो आप ना वाकिफ हैं और ना ही हम। तो महात्मा गांधी जो थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, जो बाबा कौम कहलाते हैं, उनको हकीकी रहनुमा, हकीकी लीडर किस चीज ने बनाया, कौन सी ऐसी खसूसियात थी उनमें जिस चीज ने उनको जो है पूरी कौम का रहनुमा बनाया, पूरी कौम का लीडर बनाया। आइए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ऑन द वे टू प्रिटोरिया। तो ये आज आपके पढ़ने की फहम में है कि आप इसमें आज ये इक्तिबास पढ़ेंगे, एज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय एम के गांधी। तो एम के गांधी ने, जो गांधी जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिससे कोई भी नावाकिफ नहीं है। बहुत ही मशहूर किताब है और आप लोगों को भी ये खरीदनी चाहिए। मैं अपने तलबा व तालिबात से उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि ऐसी किताबें खरीदा करें और उनको उनका मुताला करें।
उसी में से जो है गांधी जी की इस किताब में से ही इकतबास उठाया गया है, लिया गया और आपके ब्लॉक में डाला गया है। तो ये इकतबास, आइए आज हम इसका मुताला करते हैं। ट्रेन तकरीबन 9 बजे रात निटाल के दारुल हुकूमत मार्टर्सबर्ग पहुंची। इस स्टेशन पर बिस्तर फराहम किए जाते थे। रेलवे का एक मुलाजिम आया और मुझसे पूछा कि क्या मुझे एक बिस्तर चाहिए? नहीं, मैंने कहा, मेरे पास एक है। वो चला गया, लेकिन एक मुसाफिर आगे आया और मुझे ऊपर नीचे देखा। उसने देखा कि मैं एक रंग आदमी हूं, यानी कि कलर जिसको हम कहेंगे। इसने इसे परेशान किया। वो बाहर गया और एक तो अहलकारों के साथ दोबारा अंदर आया। वो सब खामोश रहे। जब एक और अहलकार मेरे पास आया और कहा, चलें, आपको वैन के डिब्बे में जाना चाहिए। तो ये जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो है गांधी जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि अपनी कहानी इसमें तहरीर की है अपनी जिंदगी की। तो इसमें बहुत सारे जो जिंदगी के उनके वाकियात हैं, इसीलिए इसका नाम जो है उन्होंने इस किताब का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ दिया है। इसमें उनकी जिंदगी से जुड़े हुए जो भी सबक उन्होंने सीखे, जो भी उन्होंने अहम काम किए, तो वो सारे इसमें इस किताब में मौजूद हैं। तो एक इकतबास है जहाँ पे गांधी जी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, उनको वहां पे कोई केस लड़ना था। क्योंकि वो जो थे वो गोरे नहीं थे, जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं वो जो है यूरोपी लोगों की तरह गोरे नहीं होते हैं। तो उनको वहां पे उन दिनों जो है साउथ अफ्रीका में बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता था, उनको हकीर समझा जाता था। ताकि वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना होते, या फिर किसी अच्छे पेशे से जो है उनका ताल्लुक क्यों नहीं होता, मगर उनको फिर भी जो है इस सिस्टम का शिकार होना पड़ता था, जिस सिस्टम को वहां पे अपार्थाइड कहा जाता था, यानी कि जो काले रंग के लोग होते थे उनके साथ बहुत ही बुरा सुलूक होता था। तो गांधी जी वहां ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ट्रेन तकरीबन 9 बजे रात निटाल के दारुल हुकूमत मार्टर्सबर्ग पहुंची। इस स्टेशन पे फराहम किए जाते थे बिस्तर। और रेलवे का एक मुलाजिम आया और गांधी जी से पूछा कि क्या आपको एक बिस्तर चाहिए? तो गांधी जी ने उन्हें नकार दिया, उन्हें कहा कि नहीं, मेरे पास एक बिस्तर है। तो वो चला गया। लेकिन एक और मुसाफिर आगे आया और वो बिल्कुल गांधी जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जांचने लगा कि ये कौन आदमी है, कैसा है, कहाँ का है। और वहां से वापस जाते हुए वहां से वो और दो अहलकारों को अपने साथ लाता है, दोबारा आता है। वो खामोश थे। एक और अहलकार जो है कहते हैं गांधी जी कि वो मेरे पास आए और कहा, चले, आपको वैन के डिब्बे में जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे ने दोबारा शमूलियत इख्तियार की। मैं आपसे कहता हूं आपको वैन के डिब्बा में जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मुझे डर्बन में इस डिब्बे में सफर करने की इजाजत थी और मैं इसमें जाने पर इसरार करता हूं। तो इनको गांधी जी ने कहा कि मैं वैन के डिब्बे में नहीं जाऊंगा, मैं वैन के डिब्बे में सफर नहीं करूंगा, मेरे पास जो है फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो दूसरा अहलकार इनसे बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कौन सा टिकट आपके पास है, आपको किस चीज की इजाजत है, लेकिन आपको जो है वैन के डिब्बे में ही जाना चाहिए। लेकिन जो गांधी जी है उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि भाई मैं तो उस डिब्बे में सफर नहीं करूंगा। नहीं, आप नहीं करेंगे, अहलकार ने कहा, आपको ये डिब्बा छोड़ देना चाहिए, वरना मुझे आपको बाहर धकेलने के लिए पुलिस कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा। तो इनमें से एक अहलकार बहुत ही सख्त रवैये से गांधी जी को कहते हैं कि आपको ये डिब्बा छोड़ कर जाना चाहिए, वरना मुझे आपको जबरदस्ती यहां से धकेल के निकालना पड़ेगा, मुझे पुलिस कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा। जी हाँ, आप कर सकते हैं, मैं रजाकाराना तौर पर बाहर निकलने से इनकार करता हूं। तो गांधी जी भी जो थे वो बहुत ही अपनी जवानी में बहुत ऊंचे जो अपने ख्यालात थे, अपने जो उनके उनका वो जो
फितरत थी उनकी, वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, और उन्होंने उनसे साफ कह दिया कि जी हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल, मैं रजाकाराना तौर पे बाहर निकलने के से इनकार करता हूँ, यानी कि मैं खुद से यहाँ से बाहर नहीं निकलता हूँ, अगर आप चाहें तो आप किसी को बुला लें लेकिन मैं यहाँ से निकलने वाला नहीं हूँ। कांस्टेबल आया, उसने मुझे हाथ से पकड़कर बाहर धकेल दिया, मेरा सामान भी निकाल लिया गया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया और ट्रेन भाप से चली गई। मैं जाकर इंतजार गाह में बैठ गया, अपना हैंड बैग अपने पास रखा और दूसरा सामान वहीं छोड़ दिया। रेलवे हुकाम ने इसे इसका चार्ज संभाल लिया था। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा कि मैं तो खुद से जाने वाला नहीं हूं, मैं आपकी बात पे जो है उस पे मैं जो है इकरार नहीं करता हूं, आप चाहे तो किसी को बुला ले। तो एक कांस्टेबल को बुलाया गया, उसने गांधी जी को हाथ से पकड़कर ट्रेन से बाहर धकेल दिया और उनका सामान भी जो है वो भी निकाल दिया गया। दूसरे डिब्बे में उन्होंने जो है इनकार कर दिया जाने से और ट्रेन जो है वो निकल गई। वो इंतजार गाह में बैठ गया, यानी कि उस जगह पे बैठ गए जहां पे लोग ट्रेन का सफर ट्रेन का इंतजार करते थे। अपना हैंड बैग अपने पास रखा और दूसरा सामान जो है वो वहीं पे छोड़ दिया, जिसका कि रेलवे हुकाम ने वहां के रेलवे हुकाम ने उसका चार्ज संभाल लिया। ये सर्दियों का मौसम था और जनूबी अफ्रीका के ऊंचे इलाकों में सर्दी शदीद थी, यानी कि सर्दियों के मौसम में गांधी जी वहां गए थे जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसे कहते हैं। मार्टिन्सबर्ग ऊंचाई पर होने की वजह से सर्दी इंतहाई कड़वी थी। मार्टिन्सबर्ग जो है जहाँ पे गांधी जी थे, जहाँ इनको जाना था, वो काफी ऊंचाई पे था और वहां इस वजह से सर्दी ज्यादा शदीद थी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था लेकिन मैंने इसे मांगने की हिम्मत नहीं की कि कहीं मेरी तौहीन ना हो जाए, इसलिए मैं बैठकर काम किया। गांधी जी के साथ उन्होंने अपना ओवरकोट भी साथ लिया था, वो उनके सामान में था, लेकिन इन्होंने जो है इनसे मांगने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने सोचा कि शायद ये लोग मेरी और तौहीन कर दे, मेरी बेइज्जती कर दे, इसलिए ये ठंड से कांप रहे थे। कमरे में रोशनी नहीं थी। आधी रात के करीब एक मुसाफिर अंदर आया और मुमकिन तौर पर मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं बात करने की मूड में नहीं था। तो जिस कमरे में बैठे हुए थे वहां रोशनी नहीं थी। आधी रात के करीब वहां एक और मुसाफिर अंदर आया और मुमकिन तौर पे वो इनसे बात करना चाहता था, लेकिन गांधी जी जो थे वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। मैं अपना फर्ज समझने लगा, क्या मुझे अपनी हकूक के लिए लड़ना चाहिए और हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए, या मुझे तौहीन की परवाह किए बगैर प्रिटोरिया जाना चाहिए। तो इन्होंने अपने जो साथ में मशवरा करना जो है शुरू किया, ये सोच रहे हैं अपने साथ ही कि क्या मुझे अपना फर्ज समझने में क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, या अपने फर्ज समझने लगे, क्या मुझे अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए इन लोगों से, हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए, या मुझे तौहीन की परवाह किए बगैर प्रिटोरिया जाना चाहिए, या फिर मुझे इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने मुझे जो है मेरी इतनी तौहीन की, और क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुकदमा खत्म करने के बाद हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर हिंदुस्तान वापस भागना बुजदिली होगी। तो इनका जो है फर्ज मनसब था, उनकी जिम्मेदारियां थी वो इनको पूरी करनी थी, और अपनी जिम्मेदारियों से भागना इनके लिए बुजदिली थी। मुझे जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा वो सतही था। रंगीन तासुब की गहरी बीमारी की सिर्फ एक अलामत, अगर मुमकिन हो तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि नौजवान लीडरों को इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकूं और इस अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो जिस चीज का इन्होंने जिस मुश्किल का इन्होंने सामना किया था, यानी कि जो इनके साथ वहां पे सुलूक हुआ था, वो तो बिल्कुल एक मामूली सी एक मिसाल थी जो इन लोगों के साथ होता था वहां पे। जो रंगीन तासुब, यानी कि ये जो रंग नस्ल के नाम पे जो तासुब लोगों के साथ किया जाता था, वो एक गहरी बीमारी थी। गांधी जी को लगा कि वो बिल्कुल एक गहरी बीमारी है, और ये जो इनके साथ हो वो बिल्कुल उसकी एक छोटी सी मिसाल थी। मुमकिन हो तो गांधी जी सोचने लगे कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि नौजवान लीडरों को इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकू, कि मुझे इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में नौजवान लीडरों की मदद करनी चाहिए, और इनको पता था कि इस अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो अमल था, ये जो सोच रहे थे कि मैं इस सिस्टम को,
इस रंगीन तासुब को खत्म कर दूं, इसको जड़ से ही उखाड़ूं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो इसमें इनको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आने वाली थी। लिहाजा मैंने प्रिटोरिया के लिए अगली दस्तियाब ट्रेन लेने का फैसला किया। अगली सुबह मैंने रेलवे के जनरल मैनेजर को एक लंबा टेलीग्राम भेजा और अब्दुल्ला शेठ को भी इतला दी, जो फौरन जनरल से मिला। मैनेजर ने रेलवे हुकाम के तर्ज अमल को दुरुस्त करार दिया, लेकिन इसे बताया कि इसने पहले ही स्टेशन मास्टर को हिदायत कर दी है कि मैं अपनी मंजिल पर बहिफाजत पहुंच गया हूं। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये प्रिटोरिया चले गए अगली ट्रेन से, लेकिन इन्होंने वहां के मैनेजर को, जो रेलवे का मैनेजर उनका रेलवे के हुकाम के मैनेजर थे, उनको एक लंबा टेलीग्राम भेजा जिसमें इन्होंने अपनी पूरी शिकायत जो थी दर्ज की, और वहां से इनको जवाब आया कि जो उन लोगों ने वहां पे किया वो बिल्कुल दुरुस्त था, यानी कि वो सही था, लेकिन इनको अपनी जो मंजिल थी उस पर बाहिफाजत पहुंचा दिया जाए। अब्दुल्ला शेख ने हिंदुस्तानी ताजरों को तार दिया। मार्टर्सबर्ग और दीगर जगहों पर मौजूदा दोस्तों को मुझसे मिलने और मेरी देखभाल के लिए ताजर मुझे स्टेशन पर मिलने आए और अपनी मुश्किलात बयान करते हुए मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, और ये बताते हुए कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कोई गैर मामूली बात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि पहली या दूसरी क्लास में सफर करने वाले हिंदुस्तानियों को रेलवे हुकाम और सफेद फाम मुसाफिरों से परेशानी की तवक्का करनी पड़ती। तो इनके दोस्त ने वहां के जो ताजिर थे उनको लिखा और उनको कहा कि इनकी जो है देखभाल की जाए वहां पे जनूबी अफ्रीका में गांधी जी की। तो वो इनके पास आए स्टेशन पर, इनसे मिलने आए, अपनी मुश्किलात भी उन्होंने बयान की, क्योंकि ये अकेले गांधी जी का मामला नहीं था, जो भी वहां पे हिंदुस्तान के रहने वाले सियाफाम लोग थे, ये सबका एक ही जो है, उन सबका यही मसला था। वो अपनी जो है गांधी जी को सुनाने लगे और इनसे कहा कि जो इनके साथ स्टेशन पे हुआ वो कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये वहां का मामूल था। वहां पे जो है सियाफाम लोगों के साथ ऐसा ही रवैया होता था। उन्होंने ये भी कहा कि पहली या दूसरी क्लास में सफर करने वाले हिंदुस्तानियों को रेलवे हुकाम और सफेद फाम मुसाफिरों से परेशानियां जो है वो लाजमन उठानी पड़ती थी। यूं दिन इन अजियत की दास्तानें सुनने में गुजर गया। तो पूरा दिन जो है गांधी जी इनकी इन अजियत भरी दास्तानों को सुनते रहे जो ये लोग इनसे मिलने आए थे। शाम की ट्रेन आ गई, मेरे लिए एक मखसूस बर्थ थी। मैंने अब मार्टर्सबर्ग में बेडिंग टिकट खरीदा, जो मैंने डर्बन में बुक करने से इनकार कर दिया था। तो शाम की ट्रेन आ गई, उनके लिए एक मखसूस बर्थ थी। इन्होंने मार्टर्सबर्ग में बेडिंग टिकट खरीदा हुआ था, जो इन्होंने डर्बन में पहले खरीदने से इनकार किया था। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन ले गई। तो ये जो इक्तिबास है, यहाँ पे हमें गांधी जी अपने जनूबी अफ्रीका के सफर के बारे में बताते हैं कि वहां पे उनके साथ या फिर उनके जैसे और सियाफाम लोगों के साथ कैसा रवैया, कैसा सुलूक होता था उन दिनों। तो इस पे हमें आगे जेल सवालात हैं और उन सवालात को हमें हल करने की जो है वो कोशिश करनी है, क्योंकि हमने मुताला किया है इस इक्तिबास का। रावी को दूसरे डिब्बे में जाने को क्यों कहा गया? तो आपने देखा कि जो रावी यानी कि हमारे गांधी जी जो हैं उनको दूसरे डिब्बे में जाने को कहा गया, क्यों, किस बात पे, क्या वजह थी, जबकि उनके पास इजाजत थी, उन्होंने टिकट बुक करा हुआ था, तो उनके पास बिल्कुल बाजाबिता जो है इजाजत थी, मगर फिर भी उनके साथ जो है भेदभाव किया गया, क्योंकि वो सियाफाम थे और सियाफाम और सफेद फाम लोग एक साथ एक डिब्बे में या एक ट्रेन में सफर करना पसंद नहीं करते थे। सफेद फाम लोग इन लोगों के साथ वो इनमें जो है भेदभाव करते थे, यानी फर्क समझते थे। वो समझते थे कि जो गोरे लोग हैं, सफेद फाम लोग हैं, वो इन ऐसे लोगों से जो सियाह रंग के होते हैं, सफेद लोग जो हैं सफेद फाम, वो इनसे दर्जे में ऊंचे हैं। तो इस वजह से उन्हें कहा गया कि आप इस डिब्बे को छोड़ के जो है दूसरे डिब्बे में जाएं, जिससे कि गांधी जी ने इनकार किया था। रावी ने कंपार्टमेंट छोड़ने से इनकार क्यों किया, यानी कि गांधी जी ने जो है वो अपना कंपार्टमेंट छोड़ने से उन्होंने इनकार क्यों किया, क्या वजह थी, उन्होंने चुपचाप उनकी बात क्यों नहीं मानी, वो गैर मुल्क में थे, क्या
वहां की सरकार अलग थी, वहां के दस्तूर अलग थे, रिवाज अलग थे, उन्होंने उन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा? उन्होंने उस कंपार्टमेंट को छोड़ने से इनकार क्यों किया? उसने इनकार का नतीजा, उसके इनकार का नतीजा क्या निकला? यानी कि जो गांधी जी ने इनकार किया कि जी मैं तो नहीं निकलने वाला हूं, मैं तो खुद से नहीं जा रहा हूं, उसका नतीजा क्या हुआ? वो भी हमने जो है इस इक्तिबास में उसका भी मुताला किया, वो भी देखा क्या वजह थी, फिर क्या हुआ आगे। रावी ने अपना ओवरकोट क्यों नहीं पूछा, हालांकि वो कांप रहा था। गांधी जी सर्दी के बावजूद इतना कांप रहे थे सर्दी में, तब भी उसके बावजूद भी, अपने पास ओवरकोट होने के बावजूद भी उन्होंने क्यों नहीं उसके बारे में पूछा, क्या वजह थी? ये भी हमने पढ़ा। उसने इस मुश्किल से निमटने के बारे में कैसे सोचा? तो उन्होंने क्या सोचा, इस मुश्किल से निमटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम जैसे आम फहम लोग अगर पूछे, वो उनको मिन्नत समाजत करेंगे कि भाई हमें छोड़ दीजिए, आप जैसा चाहे वैसा करें। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इस मुश्किल से निमटने के लिए उन्होंने बिल्कुल अपने तरीके से, अपने तर्ज से अलग ही अंदाज जो है सोचने लगे कि नहीं, मुझे बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो रंग के नाम पे, ये जो तासुब होता है इस पे मुझे लड़ने की जरूरत है और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। गांधी के मुताबिक इस नारवा सुलूक के पीछे असल वजह क्या थी? क्या गांधी आखिरकार इंसाफ हासिल करने में कामयाब हुए? कैसे? क्या आपके ख्याल में ये सारा मसला सिर्फ बिस्तर का टिकट ना खरीदने की वजह से पैदा हुआ? अपने जवाब का जवाब पेश करें। गांधी की कम से कम दो कायदाना खसूसियात का तस्करा करें जो इस हवाले से झलकती हैं। तो गांधी जी की जो है कायदाना खसूसियात, अगर उन पे एक किताब भी लिखी जाए तो वो भी कम है। तो दो कायदाना खसूसियात का तस्करा, तो वो तो बिल्कुल एक छोटी सी बात है, बिल्कुल जो हमने इस इक्तिबास में सीखा पढ़ा। तो उनसे इन सारे जवाब सवालात का जो है जवाबात जो है सारे इनके निकल आते हैं। तो ये हमारा आज का इक्तिबास था। पढ़ने की फहम में आपने देखा कि यंग लीडर्स, इन्हीं चीजों ने उनको पूरे हिंदुस्तान का जो है रहनुमा बनाया, लीडर बनाया, कायद बनाया। और जो बात नामुमकिन थी, जिसपे जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान की कौम जो है लड़ रही थी, वो अकेले गांधी जी ने उस मसले को सुलझा दिया। ऐसे उनमें खसूसियात थी, कायदाना खसूसियात थी कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से वो अकेले लड़ गए, किनके साथ? अंग्रेजों के साथ, और आजादी हासिल करने में कामयाब। आगे बढ़ते हुए हम वोकैबुलरी में देखते हैं बिटर वर्ड्स। तो बिटर से मुतलिक, यानी कि जो अल्फाज है बिटर, तीखा, इससे ये जो अल्फाज है, आज इससे आप अपने जो अल्फाज के जखायर हैं, अपने जो वोकैबुलरी है उसको भरेंगे, भरने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अल्फाज से आप देखेंगे कि किस तरह अलग अलग जगहों पे इसको इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाता है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। वाइस नाउन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कवर्ड नाउन, द एडजेक्टिवल फॉर्म इज कवर्डली। तो यहाँ पे लफ्स आता है कवर्डाइस, यानी कि बुजदिलाना, बुजदिली। कवर्डाइस नाउन है यहाँ पे, यानी कि इस्म है, और कवर्ड जो बुजदिल होता है वो भी नाउन है, वो भी इस्म है। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म बनता है, यानी कि जो इसकी सिफत बनती है, वो बनती है कवार्डली। सिमिलरली द वर्ड ऑब्लिगेशन, ये भी नाउन है, ये भी इस्म है, कम्स फ्रॉम ऑब्लाइज, ये वर्ब से आता है, फैल से आता है। और इसका जो एडजेक्टिवल फॉर्म है, यानी कि इसकी जो सिफत है, वो ऑब्लिगेटरी है। यानी कि एक ही लफ्ज जो है ग्रामर के लिहाज से उसके अलग अलग जो है अल्फाज बन जाते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऑल द वर्ड्स मे नॉट हैव ऑल द फॉर्म्स, इन दैट केस पुट अ डैश इन दैट कॉलम, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो आगे आपके पास एक टेबल दिया गया है, उसमें इस तरह अल्फाज दिए गए, जैसे इस तरह से हमने कावर्ड से कावर्डाइस बनाया, कवार्डली बनाया, ऑब्लाइज से ऑब्लिगेशन बनाया, ऑब्लिगेटरी बनाया। इस तरह आपके पास आगे अल्फाज है, जैसे बोर या बोटम है, ये नाउन है यानी कि इस्म है,
इससे हमारा फेल, वर्ब बनता है बोर्स और एडजेक्टिव बनता है बोरिंग। इसी तरह आपको देखना है इसका एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा। आगे अथॉरिटी एक नाउन है, एक इस्म है, इसका आपको देखना है आगे इसका फेल क्या बनेगा, इसकी सिफत क्या बनेगी। इसी तरह आगे आपको सिवेयर एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, आपको देखना है इसका वर्ब, इसका फेल क्या बनेगा, इसका नाउन क्या बनेगा, इसका इस्म क्या बनेगा। नेसेसिटी, डिस्टर्ब, क्वाइट, एक्सट्रीमली, परमिट, वॉलंटियरी, जो अलग अलग नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, चाहे सिफत है, इस्म है या फेल है, इन शक्लों में दिए गए हैं आपको। और आपको ये टेबल जो है कंप्लीट करना है, और इससे आप क्या सीखेंगे कि एक अल्फाज को किस तरह से हम ग्रामर के लिहाज से अलग अलग शक्लों में उसको ढाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। मार्टिसबर्ग इज बीइंग एट अ हाई ऑल्टीट्यूड, द कोल्ड वाज बिटर। In the above sentence, cold has been called bitter. That's piercing. The adjective bitter can be used for some other expressions too. Match the following expressions with the right choices from the box given below. तो यहाँ पे जो अभी मैंने कहा था bitter से हम अल्फाज सीखेंगे, तो यहाँ पे इस sentence में जो कि पहले ही दिया गया है, Martinsburg being at a high altitude, the cold was bitter. यानी कि सर्दी बहुत ज्यादा तेज थी, सख्त थी। तो यहाँ पे बिटर का इस्तेमाल जो हुआ है वो किस तौर पे हुआ है कि सर्दी शदीद थी, शदीद के तौर पे, यानी कि आर पार होने वाली सर्दी। तो ये जो इसकी सिफत है बिटर, ये जो सिफत है बिटर, बिटर मतलब आपको समझ आया होगा या आप जानते होंगे कि बिटर का मतलब क्या होता है। इसको अलग अलग एक्सप्रेशंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास यहाँ पे फिर से एक टेबल दिया गया है और कुछ जो है एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको आपको नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है या फिर अल्फाज हैं या फिर फ्रेजेस हैं उनके साथ जोड़ना है। जैसे बिटर गॉड है, बिटर गॉड आपको सबको पता है कि क्या होती है। बिटर एक्सपीरियंस, बिटर पिल टू स्वालो, to the bitter end, bitter enemy, bitter wind, bitter disappointment, bitter tears. तो इन सब अल्फाज के साथ bitter जुड़ा हुआ है। bitter gourd आपको पता है कि एक सब्जी का नाम है, तो आप देखेंगे कहाँ पे है, सी में दिया गया है, green vegetable with quinine like taste. तो इसी तरह ये जो बाकी जो दिए गए हैं बिटर के साथ अल्फाज, उनको अपने अपने मतलब के साथ आपको जोड़ना है। बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप सीखते हैं इनसे कि किस तरह एक अल्फाज को हम इस्तेमाल करके बहुत सारे जो है एक्सप्रेशंस में उनके बहुत सारे अलग अलग बिल्कुल मतलब निकलते हैं, बिल्कुल अलग अलग उनके फहम जो है वो निकलते हैं। तो आगे ग्रामर में आप आज सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होती है, और अक्सर जो तलबा व तालबात है उन्हें इसको जो है तब्दील करने में मुश्किलात आती है, मुश्किलात का सामना हो, वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं जानते हैं कि इनको किस तरह से तब्दील किया जाए। स्पीच का मतलब होता है जो हम बातें करते हैं, जो हम बोलते हैं। अब हमारे बोलने के दो तरीके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके बहुत सारे जो हैं ग्रामर के लिहाज से बहुत सारे जो है कवायद हैं, रूल्स हैं, जिनको इंसान को सीखने की जरूरत है, तभी जाके जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को वो सही तरीके से जो है सीख सकता है, उनको तब्दील कर सकता है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी इफ आई वांटेड वन। द अबव सेंटेंस कैन बी रीरिटन एज रेलवे सर्वेंट केम टू मी एंड आस्क्ड मी डू यू वांट वन। तो दोनों जो आप यहाँ पे सेंटेंसेस देख रहे हैं, जो दोनों जुमले हैं, मतलब इनका एक जैसा है,
सेम है। एक में आप देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया गया है, सवाल या निशान है, डू यू वॉन्ट वन, जो बी का जुमला है, बी सेंटेंस है। उसमें आप देखते हैं रेलवे सर्वेंट केम टू मी एंड आस्क्ड मी, उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, उसके बाद सवाल पूछा गया है, डू यू वॉन्ट वन, उसके बाद सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क मी इफ आई वांटेड वन। ये दूसरा तरीका है जिसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, जो सेंटेंस बी है वो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और जो सेंटेंस ए है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है वाजे फर्क दिखाई देता है, रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी जो इनडायरेक्ट है यानी कि ए सेंटेंस है, उसमें इफ का इस्तेमाल किया गया है। और क्या तब्दील होता है, डू यू वॉन्ट वन, ये सवाल तब्दील होके जो है सवाल नहीं रहता है, ये जुमला बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, इफ आई वांटेड वन। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो स्पीच है, जो जुमले हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं। सेंटेंस ए इज एन इनडायरेक्ट स्पीच एंड सेंटेंस बी इज इनडायरेक्ट स्पीच। द सेंटेंस विद इन द इनवर्टेड कॉमा इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो है सवाल या जुमला है, ये सवाल है, डू यू वॉन्ट वन, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को यस नो कैटेगरी में रखा जाता है। डू यू वॉन्ट वन यानी कि इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। मैन सच अ टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चन इज चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इफ और वेदर इज एडिट एज अ कनेक्टर। जब आपके पास ऐसा कोई सवाल आए जो यस नो कैटेगरी का हो, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जब आपके पास सवाल आए जो यस नो कैटेगरी का हो, जिसका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इफ का इस्तेमाल करेंगे। और जो फेल है यानी कि वॉन्ट, जो यहाँ पे वर्ब है, वो भी तब्दील हो जाएगा, यहाँ पे वॉन्ट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, वो चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में यानी कि माजी में वॉन्टेड में। तो इस तरह से जो है आप अपने डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हो, जहां पे आपको यस नो कैटेगरी का सवाल आ जाता है। द टेंस इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इज इन द प्रेजेंट, वेयर इज द इनडायरेक्ट स्पीच इज द पास्ट टेंस। जैसे मैंने क्या आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में हाल जो है हाल में फेल है, जैसे हमने देखा यहाँ पे वॉन्ट वो हाल है, और इसको माजी में तब्दील किया जाता है, जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर देते हैं वो वॉन्ट नहीं वॉन्टेड बन जाता है। वहां पे प्रोनाउन यू इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इट टू आई इन इनडायरेक्ट, और जो यू प्रोनाउन है यानी कि जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में आई में तब्दील करते हैं। और प्रोनाउंस बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, जिस तरह से स्पीकर जो है बोलने वाला हो, या फिर किसके साथ बात की जाती है, कौन बोल रहा है, उसके लिहाज से जो है प्रोनाउंस भी तब्दील होते रहते हैं। इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ब सच एज आस्क्ड इंक्वायर्ड एटसेट्रा। और जहां पे सवालात होते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच में, जहां पे सवालात होते हैं रिपोर्टिंग क्वेश्चंस में, तो वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में जब उनको तब्दील किया जाता है, तो वहां पे हम आस्क्ड और इंक्वायर्ड जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जहां जैसे हमने यहाँ पे देखा इफ आई वॉन्टेड वन, जैसे यहाँ पे वॉन्ट था तो हमने वॉन्टेड ही लिखा, तो यहाँ पे रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेलवे सर्वेंट केम एंड इंक्वायर्ड इफ आई वॉन्टेड वन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरीके के, इस तर्ज अमल के जो सवालात हैं, जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में उनको तब्दील करना हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ आपके पास यहाँ पे कुछ सवालात दिए, जुमले जो है वो दिए गए हैं, कुछ
कुछ सवालात ही हैं ये, आपको उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है. जैसे द पैसेंजर सेड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली, गांधी सेड हैवंट आई द राइट टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास, द कॉन्स्टेबल सेड डोंट यू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस, गांधी सेड शैल आई नॉट ट्राई टू रूट आउट द डिजीज ऑफ कलर प्रेजुडाइस, द जनरल मैनेजर सेड Hasn't justice been given to you? The merchant said, Isn't this injustice to be treated badly? Gandhi said, Can't we lodge a strong protest? The official said, Don't you know this is a different country? तो ये सारे यहाँ पे सवाल आते हैं. यहाँ पे इनको बिल्कुल उसी तरीके से आपको तब्दील करना है जिस तरह से मैंने आपको आज सिखाया. जैसे यहाँ पे पहला जो जुमला है इसको हम देखेंगे. The passenger said, Will you leave the compartment immediately? तो यहाँ पे हम क्योंकि ये सवाल कर रहे हैं यहाँ पे पैसेंजर, तो हम सेड के बदले आस्कड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि सवालात में हम सेड के बदले आस्कड या इंक्वायर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं द पैसेंजर इंक्वायर्ड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली. इसको जो है कि इन्वर्टेड कॉमास जो है इनको हटाएंगे, कॉमा को भी हटाएंगे. वेदर वुड लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली, सवाल या निशान को भी खत्म करेंगे क्योंकि सवाल अब ये नहीं रहा. तो इस तरह से जो है हम अपने जो डायरेक्ट के सेंटेंसेस है जहां पे सवालात होते हैं उनको तब्दील किया जा सकता है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में. तो ये जो सारे सवालात हैं इनको आप कोशिश करेंगे इनकी अपने तरफ से आप, क्योंकि जरूरी ये है कि आप इनको सीखें पहले, तब जाके कल को आप इनको जो है अगर आपके सवाल पर्चे में आते हैं तो आप इनको आराम से बड़ी आराम से इनका जो है जवाब दे सकते हैं. तो आगे बढ़ते हुए हम आज हमेशा की तरह प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज में कुछ अल्फाज नए सीखेंगे कि उनको किस तरह से जो है उनका तलफ्फुज निकाला जाता है, उनको किस तरह से बोला जाता है. तो ये जो अल्फाज हैं ये बहुत सारे जो हैं पेशे उनसे जुड़े हुए हैं. तो आप मेरे साथ साथ इनको दोहराइए. अकाउंटेंट, इंजीनियर, फिजिशियन, वेटनरी फिजिशियन, फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, ब्यूटिशियन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, बॉटनिस्ट, वेब डेवलपर, डर्मेटोलॉजिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, लाइब्रेरियन, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, सॉलिसिटर. सो ये कुछ अल्फाज थे जो आज आपकी इस प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज में थे. तलफ़ुज़ जिसको हम कहते हैं, हमेशा हर एक लेक्चर में कुछ अल्फाज आपको दिए गए होते हैं, नए नए अल्फाज जो आप सीखते हैं कि उनको किस तरह से हमें सही तरीके से उनका तलफ़ुज़ निकालना है, उनको सही तरीके से हमें बोलना है. तो आगे बढ़ते हुए अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो राइटिंग पे मबनी यानी लिखाई पे मबनी है. एक बायोग्राफिकल प्रोफाइल आप कैसे लिख सकते हैं या फिर आपको एक बायोग्राफिकल प्रोफाइल कैसे लिखना है. क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है? क्या आपको लगता है कि वो एक अजीम रहनुमा थे? नेल्सन मंडेला का नाम क्यों उन्होंने नहीं सुना? क्या आपने सुना है? क्या आपने उनके बारे में पढ़ा है? क्या आपको लगता है कि वो एक अजीम रहनुमा थे? हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में कुछ हकायक बताते हैं, उन हकायक की बुनियाद पर उनका मुख्तसर सवानी खाका लिखें. तो यहाँ पे आगे आपको जो है नेल्सन मंडेला से मुतलिक कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ उनकी जिंदगी के हकायक बताए जा रहे हैं, उन हकायक पे मबनी आपको एक सवानही खाका लिखना है, यानी कि उनकी जिंदगी से मुतलिक. यहाँ पे सिर्फ आपको जो है बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में जो है उनसे मुतलिक जो है कुछ इंफॉर्मेशन फराहम की जाएगी, कुछ आपको बताया जाएगा.
आपको इन इसी इंफॉर्मेशन को, इस इन्हीं मालूमात को आपको इस्तेमाल करके एक बाजाब्ता एक खाका लिखना है, खाका तैयार करना है। नेम यानी कि नाम, बॉर्न कहाँ पैदा हुए, फादर वालिद कौन थे, एजुकेशन तालीम कहाँ से हासिल की, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो उन्होंने सियासी स्ट्रगल की, जद्दोजहद की वो क्या थी, और उन्होंने उसके बाद क्या किया। तो इन सारी मालूमात को लेके आपको बजाबता एक खाका लिखना है, एक तैयार करना है खाका इस इन मालूमात को लेके। नेम नेल्सन आर मंडेला, बस इतना कहा गया है आपसे कि नाम उनका जो है वो नेल्सन आर मंडेला था। तो आप अपने खाके में कैसे लिखेंगे, द नेम फुल नेम या फिर नेम ऑफ द लीडर वॉज नेल्सन आर मंडेला, या फिर ऐसे लिखेंगे नेल्सन आर मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर, बॉर्न 18 जुलाई 1918 इन ट्रांसकी साउथ अफ्रीका। इतना ही कहा गया है आपसे, तो आप कैसे लिखेंगे, ही वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन ट्रांस के साउथ अफ्रीका। यानी कि पूरा आपको जो है खाका तैयार करना है, बजाबता लिखना है। फादर चीफ हेनरी मंडेला ऑफ टिम्बू ट्राइब, हिज फादर्स नेम वॉज चीफ हेनरी मंडेला ऑफ टेम्बू ट्राइब और ही बिलोंग टू द टेम्बू ट्राइब। तो इस तरह से जो आप पूरे पूरे जुमले बनाते जाएंगे और इनका खाका जो है बिल्कुल उसी तरह से तैयार होगा। एजुकेशन, इन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर स्ट्रैंड क्वालिफाइड इन लॉ 1942। पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या इन्होंने की, ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी इन 1944, रेसिस्टेड द रूलिंग नेशनल पार्टीज अपार्थाइड पॉलिसीज आफ्टर 1948 एएनसी वाज बैंड इन 1960, जिसके बारे में आज हमने बात की, जिसका जो सामना है गांधी जी को भी जनूबी अफ्रीका में करना पड़ा, अपार्थाइड सिस्टम यानी कि काले रंग के लोग या फिर सियाफाम लोगों के साथ जो है भेदभाव करना, उसको अपार्थाइड पॉलिसी कहते थे वहां पे। तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है स्ट्रगल की, जद्दोजहद की और उसको खत्म कर दिया। तो आगे बढ़ते हुए, स्टूड ट्रायल फॉर प्लॉटिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बाय वायलेंस इन 1963। ये बारी सारी बारीक छोटी छोटी मालूमात है जो आपको दी गई है, और आपको इनका पूरा जो है खाका तैयार करना है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इनके अकॉर्डिंग साजिश की, इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल हुई कब, जून 12, 1964, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, स्ट्रगल फ्रॉम प्रिजन अगेंस्ट अपार्थाइड। तो इनको जो है पूरी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट, जेल का जो है जेल की सजा दी गई। रिलीज्ड फरवरी 11, 1990, और उनको छोड़ा कब गया। पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू हुआ, 10 मई 1994, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और यही लीडर जो थे जिनको जो है साजिशें करने के जुर्म में जो है जेल में डाला गया, वही जो है प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। Where even the colored people could vote, remained president till 1999। और इन्होंने वहां के उन सियाफाम लोगों को वो हकायक दिए जिनके वो हकदार थे, और वो प्रेसिडेंट रहे 1999 तक। तो इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए, इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखते हुए, इसको इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए आपको इनका एक खाका तैयार करना है। प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं हम, सेम सेंटेंसेस अलोंग विद द टीचर, आपको मेरे साथ ये जो है जुमले दोहराने हैं। विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली, हैवंट आई द राइट टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास, डोंट यू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस, शैल आई नॉट ट्राई टू रूट आउट द डिजीज ऑफ कलर प्रेजुडाइस, हैजंट जस्टिस बीइंग गिवन टू यू, इजंट दिस इनजस्टिस टू बी ट्रीटेड बैडली, कांट वी लॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, डोंट यू नो दिस इज अ डिफरेंट कंट्री, Do you want me to throw you out? Shall I call the police? तो इसके साथ ही हमारा ये तीसरा यूनिट खत्म होता है। चौथे यूनिट की हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, डूइंग अवे विद एग्जाम्स, जिसका आप सबको बड़ा खौफ रहता है, हमारे तलबा तालिबात को एग्जाम्स की, एग्जाम्स से रिलेटेड मकासिद इसके हम देखते हैं। वार्म अप पहली, जैसे हमेशा होता है, पढ़ने की फहम में इम्तिहानात से दूर रहना, अल्फाज में मुतजाद अल्फाज, सुनने की फहम में एक कहानी, बोलना काउंसलर का मशवरा, ग्रामर में बुनियादी शक और मातहत शक,
एक मजमून, तहरीर दूसरी होगी एक जाती खत, तलफुज मुकालमे की मश्क करना। तो वार्म अप में हम देखते हैं आप सब इम्तिहानात से वाकिफ हैं, अपने दोस्तों से बात करें। इम्तिहानात से कौन नहीं वाकिफ है, हमारा 2 साल का 3 साल का बच्चा भी जो है वो इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है 2-3 साल से ही बच्चे को स्कूल में डालने के बाद उसका इम्तिहान उसका शुरू हो जाता है, जो कि जब तक कि वो बूढ़ा नहीं होता तब तक वो खत्म नहीं होता है। क्या आप इम्तिहान से डरते हैं या आप इन्हें एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं? आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज आपको ज्यादा खौफ ज्यादा करती है? अच्छा काम न करने या हर किसी की तवक्कात पर पूरा न उतरने का इम्कान? किस चीज से आप डरते हैं? क्या आप इस चीज से डरते हैं कि मैंने अच्छी कारकर्दगी नहीं की, या फिर इस चीज से डरते हैं कि मैं हर एक की तवक्कात पे पूरा नहीं उतर पाया? क्या आप इम्तिहानी निजाम को इसके मौजूदा अवतार में खत्म करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो हमारा इम्तिहानी निजाम है, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसको हम खत्म कर दें? अगर हाँ तो तशखीस के मुतबादल तरीके तजवीज करें। अगर आप कहते हैं हाँ हमको इस जो सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए, इस निजाम को खत्म करना चाहिए, हमारा जो मौजूदा इम्तिहानी निजाम है इसको खत्म करना चाहिए, तो आप खुद से मुतबादल तरीके हमें बताएं, तजवीज करें कि फिर इम्तिहानात अगर हम ना लें तो उसके बदले हमें क्या करना चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने की फहम में, डूइंग अवे विद एग्जाम से आज एक और इकतबास, एक खत हम पढ़ेंगे जो एक बेटा अपने बाप को लिख रहा है। प्यारे पापा, ये मेरी खता के बारे में आपके खत के जवाब में है। हाँ, मेरा पहला रैंक दूसरे नंबर पर आ गया। आपने मशवरा दिया कि मुझे पेपर्स का जवाब देने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, ऑपरेटिंग काम सोचने ने मुझे मुनक्किस किया और ये उन अकासियों के नताइज है। वालिद, हम वाकई कभी करीब नहीं रहे हैं और मैं सही तौर पे ये नहीं कह सकता कि आप अभी तक मेरे दोस्त, फलसफी रहनुमा वगैरह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे ख्यालात से आगाह रहें, वो मेरे लिए बहुत अहम है। आप आला तालीम याफ्ता हैं और आप खानदान के लिए बहुत अच्छी तरह मुहैया करते हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या आप पाइथागोरास का इतलाक करते हैं? नजरिया या न्यूटन का कानून कशिश शक्ल, यानी कि क्या आप पाइथागोरस आपने पढ़ा है, क्या आपने न्यूटन पढ़ा है? इस मामले में क्या आपका डॉक्टर दोस्त है या आपका वकील भाई? पापा, मेरे दादा एक बेफिक्र और खूबसूरत बचपन की बात करते हैं, उन दिनों के बारे में। जहां मर्द मुंह में पानी पकाते थे, मार्बल और गिल्ली डंडा खेलते थे, उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि मुताला एक जेली मजमून था और जिंदगी गुजारना और तजुर्बा करना अहम मौजू। बाप, क्या वो फिबिंग कर रहा है या ये मुमकिन है कि दुनिया सिर्फ 70 सालों में बेतरतीब हो गई है? पापा, मेरी दादी नीम ख्वानदा है, इसके बावजूद वो अपने बर्तनों, पैनों, अपने फूलों और बागात, अपनी भगवत गीता और सहीफों से पुरसुकून है। मेरी वालिदा आला तालीम याफ्ता, इंतहाई सख्त तनाव और ऐसा भी है। क्या आपके ख्याल में खौंदगी में बेचैन, खौफजदा और मायूस करती है? पापा, एक बार मैंने अपनी दादी से पूछा कि वो इतनी अकलमंद कैसे हुई। तुम जानते हो उसने क्या कहा? जीने और तजुर्बा करके। और वो हंस पड़ी जैसे मैंने कोई ऐसी बात पूछी हो जो बहुत वाजह थी। क्या हम जी रहे हैं पापा, या जिंदगी हमें नजरअंदाज कर रही है? मुझे जिस चीज का खौफ है वो ये है कि अगर मैं न्यूटन से आमने सामने हूं तो मैं उसे पहचानने में नाकाम रहूंगा। मैं उसके बारे में जानने में इतना मसरूफ हूं, तुम जानते हो, बिल्कुल उस लड़के की तरह विनु इस अवार्ड याफ्ता फिल्म में वो 100 बार हिबिस्कस सुर्ख है पर बड़बड़ाता है, लेकिन अपनी किताब में वो उसे पीला रंग देता है। क्या हम जिंदगी के जौहर से महरूम है? वैसे भी पापा, क्या आप जानते हैं कि मैंने वो सहमाही का निशान कहाँ खो दिया जिससे मेरा जवाल हुआ? ये खाली जगहों को पुर करना था। मैंने समझा कि मुझे चाय पर मधु किया गया था और मेरे उस्ताद
इस बात पर बजिद थे कि उन्हें चाय पर बुलाया गया है। ग्रामर का मामला और पापा, अगर वो कहते हैं कि जॉर्ज बुश हिंदुस्तान के सदर हैं तो ऐसा ही होना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि सूरज मगरिब में तुलू होता है तो ऐसा ही हो, और अगर वो कहे कि जमीन चपटी है तो ये होगा। मेरे पापा, कम से कम मेरी जवाबी कागजात पर मेरा पहला दर्जा दाव पर लगा हुआ है। आपने देखा, फिर भी मेरे प्यारे पापा, आपके मशवरे को जहन में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी भी सहमाही के नंबरों से महरूम न हो। हमेशा की तरह आपका हमेशा फरमाबरदार बेटा राहुल। तो इस खत में एक बेटा जो है अपने बाप के साथ शिकायत करता है कि मौजूदा जमाने में, हमारे आज के जमाने में हमें इतनी भाग दौड़, हमें इतना कंपटीशन का प्रेशर क्यों दिया जाता है मासूम बच्चों को? पढ़ना और जिंदगी का तजुर्बा लेना, क्या ये बिल्कुल अलग-अलग है? क्या आपको लगता है कि पढ़ना बस आज किताबी रह गया है, बस आज सबको डिग्रियां चाहिए, इम्तिहानात पास करने हैं? असल जिंदगी का तजुर्बा जो हमें असल जिंदगी सिखाती है वो काफी कम रह गया है। तो जेल में कुछ दिए गए सवालात थे, उनके जवाबात हमको देने हैं, तलाश करने हैं। बाप बेटे का रिश्ता कितना गहरा था, इन लाइनों को मुंतखिब करें जो आपके जवाब की अक्कासी करते हैं। ये खत पढ़ के आपको क्या लगता है, बाप बेटे का रिश्ता कैसा था? राहुल के दादा के बचपन पर 5 लाइनें लिखें। आपके ख्याल में राहुल का बचपन कैसा है? राहुल के दादा और उसका अपना बचपन बिल्कुल अलाइदा अलाइदा है। उसके दादा के बचपन पर 5 लाइनें लिखिए जो इसने यहाँ पे जो है उसके बारे में जिक्र किया है। और आपको क्या लगता है, राहुल का बचपन कैसा है? राहुल की माँ दादी से किन तरीकों से मुख्तलिफ है? राहुल की माँ बहुत आला तालीम याफ्ता है, और राहुल के मुताबिक जो उनकी दादी है वो ज्यादा सूझबूझ वाली है। तो किन तरीकों से वो उसकी माँ और उसकी दादी जो है वो मुख्तलिफ है? राहुल के ख्याल में उसकी तालीम में क्या गलत है, वो बाकी क्या सीखना पसंद करेगा? अब वोकैबुलरी में हमारे पास यहाँ पे जो है एंटोनिम्स हैं, यानी कि वो अल्फाज जो मुतज़ाद कहलाते हैं, यानी कि जिद, अल्फाज की जिद। तो यहाँ पे जो है आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिनको हम कहेंगे दिए गए हैं, तो आगे इसके आपको अल्फाज भी दिए गए होंगे, तो उनको आपको इस्तेमाल करना है, सही जगहों पे उनको डालना है, ताकि ये जो जुमले हैं वो बिल्कुल जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो इन अल्फाज से जो है आप अपने मुतजाद अल्फाज सीखेंगे कि अल्फाज की जिद किस अल्फाज की क्या जिद में आते हैं माने, तो वो आप सीखेंगे। स्पीकिंग में आप बोले कि जो एक्सरसाइजेस में आप काउंसलर्स की एडवाइस है, आपको तालीमी इदारों में मुशीर होते हैं जो तलबा को उनके खौफ और परेशानियों से निमटने में मदद करते हैं। ये मुशीर अमूमन माहिर नफ्सियात या माहिर नफ्सियात होते हैं जो इम्तिहानात के मौके पर नौजवान जहन के तनाव को समझते हैं। डॉक्टर मैथ्यू और राहिल के दरमियान दर्ज गुफ्तगू का मुताला करें, अपने दोस्त के साथ ऐसी गुफ्तगू करें जो बारी बारी मुशीर और तालिब इल्म बने। तो तालिबे इल्म जब उनके इम्तिहानात होते हैं तो उनको जहनी कूफ्त का शिकार होना पड़ता है, परेशानियां उनको होती है, तो काउंसलर जो है उनके नफ्सियाती कोई माहिर होते हैं जो उस वक्त में उनकी जो है मदद करते हैं। तो आपको एक गुफ्तगू आगे दी गई है जिसका आपको मुताला करना है, और अपने दोस्त के साथ ऐसी गुफ्तगू आपको भी करनी है। तो यहाँ पे जो है कहा गया है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहिल, गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर मैथ्यू, गुड मॉर्निंग राहिल, सिट डाउन, हाउ मे आई हेल्प यू? राहिल, सर माय एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, आई एम स्केयर्ड दैट आई माइट नॉट डू वेल। डॉक्टर मैथ्यू, व्हाई डू यू थिंक सो? हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर सिलेबस और रिवाइज्ड वेल? राहिल, यस सर, आई हैव रिवाइज्ड इट थॉरली, बट टेंशन कीप्स मी अवेक थ्रू आउट द नाइट एंड आई फील आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। डॉक्टर मैथ्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिलैक्स, ट्राई एंड स्टिक टू अ नॉर्मल रूटीन। Rahil, but how do I relax? I'm tensed all the time. Dr. Mathew, how can you can try meditation or yoga that will help. Rahil, all right, I want to do really well and get a good position. Dr. Mathew, that's a good idea. You must stay focused on your goal and not worry about the result too much. Just keep on working. Sincerity always pays. All the best to you, Rahil. Thank you, sir. तो यहाँ पे राहिल जो है अपने एक
काउंसलर से मिलता है और उनसे कहता है कि अगले महीने मेरा एग्जाम है और मैं काफी परेशान हूँ, रात भर नींद नहीं आती। हालांकि मैंने अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है, सब कुछ मैंने जो है रिवाइज कर लिया, फिर भी मुझे लगता है कि मैं मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो उस पे उनके डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप रहा हूं या फिर मुझे याद नहीं रहता है, ये बिल्कुल इसी वजह से है क्योंकि आप जो है स्ट्रेस का शिकार है, एग्जाम स्ट्रेस की वजह से आपको ऐसा लगता है। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए या फिर योगा करना चाहिए जो आपको आपका स्ट्रेस कम करने में मदद करेगा। तो जो राहिल है वो इस बात पे इसरार करते हैं कि चलिए ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा ताकि मेरा जो टेंशन है, जो मेरी स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाए और मैं आगे जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। राइट एन एसे, क्या इम्तिहानात अहम है? अपनी राय का इजहार करते हुए एक मजमून लिखिए जो कि 200 से 250 अल्फाज में होना चाहिए। आपको क्या लगता है इम्तिहानात अहम है या नहीं? बहुत सारे तलबा ऐसा कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल अहम है, इम्तिहानात ना हो तो कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या सीखा है। या कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई इम्तिहानात बिल्कुल अहम नहीं है, जरूरी नहीं है। इम्तिहानात में जो है पर्चे भर भर के लिखना, ये इंसान की सलाहियतों को दोहराती उनकी उनको उनकी अकासी नहीं करती है कि इंसान के पास क्या, उनके कौन से इंसान के पास कौन सी खसूसियात हैं या कौन से उसके जो है उनके उनके टैलेंट्स क्या है, वो सिर्फ इम्तिहानात के जरिए जो है वो सामने नहीं आते हैं। तो इसलिए इम्तिहानात जरूरी नहीं है। तो अपनी राय लिखिए, आप खुद से लिखिए कि क्या इम्तिहानात अहम है। आपको क्या लगता है, आपको 200 से 250 अल्फाज में अंग्रेजी में एक मजमून लिखना है, क्या इम्तिहानात अहम है या नहीं? यू मे यूज द पॉइंट्स गिवन इन द बॉक्स अलोंग विद द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द रीडिंग पैसेज। यू मे ऑल्सो होल्ड ऑल टुगेदर इन डिफरेंट वे। आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ जुमले दिए गए हैं जिनका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऐसे में, या फिर बिल्कुल आप अपना एक बिल्कुल जो आपका अपना नजरिया है वो डाल सकते हैं अपने ऐसे में। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मीनिंगलेस विदाउट असेसमेंट, फेयर ऑफ एग्जाम्स मेक स्टूडेंट्स स्टडी, सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन नीड्स चेंजेस, स्टूडेंट्स अंडर स्ट्रेस, नॉलेज हैज बिकम सेकेंडरी, रैट रेस फॉर मार्क्स, एटीट्यूडिनल चेंज रिक्वायर्ड, सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। सो आपको इन जो यहाँ पे जुमले या अल्फाज दिए गए हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऐसे में, या फिर आपका जो अपना नजरिया है, आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं, इस उनवान को देखते हैं, बिल्कुल आप अपना एक नजरिया बजाहिर तौर पे दे सकते हैं। तो आज जो है हमारा आखिरी आखिरी जो लेक्चर था हमारे इस बीजीएलए 135 का, जो कि मबनी था आज भी बर्निंग इश्यूज पे, सुलगते हुए मसाइल पे, जहां पे हमने तीसरा और चौथा यूनिट जो है आज देखा इसका, और ये आपका आठवां लेक्चर था। आज हमने आपके बीईजीएलए 135 का जो ब्लॉक है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर को होता है, वो खत्म हो जाता है, जो कि मबनी था इंग्लिश इन डेली लाइफ पे, अंग्रेजी रोजमर्रा की जिंदगी में। यहाँ पे हमारी कोशिश थी, हमारी काविश थी कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी का जो इस्तेमाल है वो दुरुस्त हो, आप सही जगह सही बोले, लिखने की एक्सरसाइजेस हमने की, पढ़ने की फहम किए हमने, अल्फाज के जखायर में आपके थोड़ा इजाफा करने की कोशिश की हमने, आपके जो तलफ़ुज़ है प्रोनाउंसिएशन है उसको थोड़ा बेहतर बनाने की जो है एक छोटी सी कोशिश की। और उम्मीद है कि आपको जो है ये सारे लेक्चर्स आपने बखूबी देखे होंगे, इनको समझा होगा, और इसके बाद आप खुद से भी इस ब्लॉग का जो है मुताला करें, फिर से मुताला करें, जहां पे भी आपको लगता है कि मुश्किल का सामना है तो आप बिल्कुल उनको दूर करने की कोशिश करें। तो आपका जो आज का लेक्चर है वो बिल्कुल, आज हमने उसमें दो यूनिट्स पढ़े, यंग लीडर्स और एग्जाम्स से, जो एग्जाम्स पे मबनी था। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में भी जो है आपको मजा आया होगा। कोशिश करते हैं हम इसको बहुत इंटरेक्टिव बनाने की, आपने बिल्कुल समझा होगा। तो आज हम आपसे जो है यहीं पे अलविदा चाहते हैं, आपका और हमारा खुदा।